तो हेलो दोस्तों, पहले आपने ये वाला रील देख लो, फिर मैं बताता हूँ किस तरह से इसको एडिट करना है। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे कितना खतरनाक तरीके जो इंस्टाग्राम पर मोस्ट वायरल रील आज की डेट में चल रहा है जो आप देख सकते हो। और कुछ इस तरह का रील बनाना बताऊँ वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, जैसे कि आप देख रहे हो कुछ इस तरह से आप एडिट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप को फॉलो करके दोस्तों कुछ 2 मिनट के अंदर आप कुछ इस तरह का रील एडिट कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों देर किसी बात की, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों करना है क्या, आपको ना सिंपली यहाँ से बैक आना है और बैक आने के बाद अपने क्रोम या गूगल को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों सिंपली सर्च बार में कुछ इस तरह का आना है। यहाँ से को आपको एक फॉन्ट डाउनलोड करना है जो आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जैसा कि देख सको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है ना। सिंपली आपको फर्स्ट पल वेबसाइट जो आपको सामने जो देख रहा है इस पर सिंपली टैप कर देना और कुछ इस तरह का ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जैसा कि देख सकते हो। सो दोस्तों आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि देख सकते हो ना साइड में आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली इस पर टैप करोगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से और मैं बताऊँगा किस तरह से आपको इसको अपने VN ऐप में इसको ऐड करना है। तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और आने के बाद करना है क्या, सिंपली VN ऐप को ओपन कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हो। तो सिंपली दोस्तों आपको मैं बैकग्राउंड के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है जो आप इस वीडियो में यूज करने वाले हो। सिंपली मैं न्यू प्रोजेक्ट पर आ जाता हूँ, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर दोस्तों सिंपली आने के बाद यहाँ से फोटो वाले सेक्शन पर आ जाना और ये वाला बैकग्राउंड मैं यूज करने वाला हूँ जैसा कि देख सकते हो। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसका ड्यूरेशन कुछ पहले हम लास्ट वाला जो बैकग्राउंड है BN का लोगो को डिलीट कर देंगे दोस्तों और इसको हम कुछ इस तरह से लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, 10 के आसपास कर लेंगे अपनी वीडियो को जैसा कि देख सकते हो। मैं 10 रख लेता हूँ कुछ इस तरह से, 10-11 रख सकते हो। और सिंपली दोस्तों करना है यहाँ से ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा जैसा कि देख सकते हो ये वाला। तो सिंपली इस पर टैप करेंगे और यहाँ से आपका जो आप नाम लिखना चाहते हो या कुछ भी लिखना चाहते हो, तो सिंपली मैं पहले अपना नाम लिख लेता हूँ जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर प्रमोद। ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलता होगा, FX FF का स्पेलिंग देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आपको नीचे के साइड में आपको ऐड फंड का ऑप्शन देखने को मिल होगा, सिंपली इस पर आ जाएंगे दोस्तों। और यहाँ से आने के बाद आपका 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, इनपुट फ्रॉम और ये इनपुट फ्रॉम फाइल GF, ये कुछ इस तरह का, इस पर क्लिक करना है और सिंपली आपका गैलरी ओपन हो जाता है। सिंपली दोस्तों सही रोड पर आएंगे और यहाँ से आपको डाउनलोड वाला फोल्डर में आ जाना है जैसा कि देख सकते हो। और सिंपली मैं नीचे के साइड में मैं दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ पे वो मिलेगा। तो डाउनलोड वाला फोल्डर में आ गया हूँ दोस्तों और मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ पहले कुछ इस तरह से। और यहाँ से जैसा कि देख सकते हो ये रहा वो GP फाइल जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, जैसा कि देख सकते हो। सिंपली इसको प्रेस करके रखना है कुछ इस तरह से, जैसा कि देख सकते हो इस तरह से प्रेस कर रखेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, सिंपली इसमें ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया दोस्तों। सिंपली मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर लेता हूँ जैसा कि देख सकते हो, अप्लाई यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे दोस्तों और ये होने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेंगे और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो जैसा कि देख सकते हो। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, आप चाहते हो तो अपना फोटो भी नीचे में लगा सकते हो जैसा कि आपने पहले देखा था वीडियो में स्टार्टिंग में। सिंपली दोस्तों ये हो गया, तो सिंपली इसको हम ड्यूरेशन को अपने वीडियो के लास्ट तक कर लेंगे जैसा कि देख सकते हो। ये होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो सिंपली दोस्तों करना क्या है, पहले तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से इसको इसमें ऐड करना है VN ऐप में। वहाँ पर इफेक्ट ऐड करेंगे और सॉन्ग ऐड करेंगे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो। थोड़ा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं पहले, तो मैंने भी इसमें वीडियो ऐड कर लिया, आप भी ऐड कर लेना। और यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से देखने को मिल रहा है और इसमें मैं बताऊँगा सॉन्ग कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों सिंपली जैसा कि देख सकते कितना खतरनाक तरीके से लग रहा है और इसमें इफेक्ट ऐड करना बताऊँगा और सॉन्ग ऐड करना बताऊँगा। तो सिंपली दोस्तों इस वाले थर्ड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, सिंपली यहाँ से टैप करने के बाद आपको वीडियो फोटो पर सेक्शन पर आ जाना है और आपको डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा जैसा कि देख सकते हो। ये वाला लिंक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सिंपली ये आ गया हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सिंपली मैं पहले इसमें से सॉन्ग निकाल लेता हूँ वीडियो में से, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जैसा कि देख सकते हो ये वाला कुछ इस तरह का, और यहाँ से इस पर टैप कर देंगे दोस्तों यहाँ से सॉन्ग वीडियो से बाहर आ जाएगा। इसको डिलीट कर दूंगा मैं, डिलीट करने के बाद थोड़ा इस तरह का इंटरफेस मिलता था, यहाँ तक हमारा सॉन्ग का लास्ट
ऐड है दोस्तों, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके और अपने वीडियो यहाँ से कट कर लेना, इस लास्ट वाला पार्ट को डिलीट कर देंगे सिंपली। और इसमें बताऊँगा इफेक्ट कैसे ऐड करना है। तो सिंपली जैसा कि देख सकते हो हम वीडियो पे आ जाएंगे और यहाँ से स्प्लिट, थोड़ा सा पहले हम अपने सॉन्ग के हिसाब से वीडियो में इफेक्ट ऐड करना है दोस्तों। पहले मैं वीडियो को प्ले कर देता हूँ जैसा कि देख सकते हो आप। तो सॉन्ग म्यूट हो गया, तो सिंपली वॉल्यूम पे इस पर आएंगे और यहाँ से इसको हम इनक्रीज कर लेंगे जैसा कि देख सकते हो ये। तो मैं प्ले करके देखा तो किस तरह देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि देख सकते हो आप। तो सिंपली आपको यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो ये इफेक्ट जो यहाँ से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे कट लगा लेता हूँ पास पास में, आपको तीन चार कट लगा लेना है जैसा कि देख सकते हो। और इस तरह से कट लगाने के बाद उसको करना क्या है, यहाँ पे हम दो कट लगा देंगे, एक और ये दूसरा, और लास्ट वाले में भी इसको ऐसे रहने देंगे दोस्तों। सिंपली करना क्या है, मैं पहले फर्स्ट वाले जो कट लगाए ने वीडियो उस पर आएंगे और यहाँ से जूमिंग वाला पार्ट पर आ जाना है और यहाँ से जूमिंग का ऑप्शन कर लगा देंगे इफेक्ट, और दूसरे पे दोस्तों जूम आउट का लगा देंगे सिंपली सी पे आके कुछ इस तरह से, और यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे। तीसरे वाले पे फिर दोस्तों फिर से जूमिंग वाले सेक्शन पर आएंगे और यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन को मूव राइट पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से, जैसे कि देख सकते हो ये होने वाला, राइट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। और सिंपली यहाँ से आने के बाद ना आपको जो चौथा कट लगाया आपने, यहाँ से सिंपली आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली यहाँ से हम ये यहाँ से अपना इफेक्ट ऐड कर सकते हो जैसा कि देख सकते हो। ये भी ऐड कर सकते हो, इसमें बहुत सारा इफेक्ट है जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हो। तो सिंपली मैं कर लेता हूँ, इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ पहले, आप भी कर लेना। दोस्तों ये इफेक्ट ऐड हो गया, तो दो आपको ऊपर के साइड वीडियो में प्लस वाला आइकन दिख रहा है, सिंपली इस पर टैप करेंगे दोस्तों और यहाँ से मैं जूमिंग का इफेक्ट लगा दूंगा ये वाला, और यहाँ से मैं नेक्स्ट पे भी जिस तरह से ये वाइट वाला लगा दूंगा, और आप भी अपने वीडियो में लगा लेना कुछ इस तरह का जैसा कि देख सकते हो। तो ये होने के बाद मैं यहाँ पर भी एक लगा दूँगा, जूमिंग का लगा देता हूँ दोस्तों। ये हो गया, तो सिंपली करना क्या, मैं प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से देखने को मिल रहा है ये हमारा वीडियो। तो जैसा कि देख सकते हो आप, वीडियो पसंद आने वीडियो का लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इसी तरह का इस चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। सिंपली आपको करना क्या है, वीडियो एक्सपोर्ट करना है, तो ऊपर के साइड में एक एरो देखने को मिल रहा होगा जैसा कि देख सकते हो। तो सिंपली इस पर टैप करके यहाँ से अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे जैसा कि देख सकते हो, इसको 100 करके यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे।